हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पबजी को अपने कोई भी मिड रेंज डिवाइस में बड़ी आराम से HDR ऐसी हाई सेटिंग्स पर लैग फ्री खेल सकते हैं। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके पहले एक बंदे का कमेंट आया था हमारी एक वीडियो पे, जो कि थी हाउ टू शेयर पबजी विद जेंडर। तो उसमें आप जेंडर से पबजी को दूसरे फ़ोन में कैसे शेयर कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया था। वो आपको देखनी है तो आई बटन पे मिल जाएगी, देख लो। तो उस पर एक बंदे ने ऐसा कमेंट किया है कि इसके बाद भी चालू नहीं होती है, क्योंकि उसके फ़ोन में गेम रन ही नहीं होती है इसके बाद भी। तो इसका मैं जवाब दे देता हूँ कि आप एक ट्रिक ट्राई करके देख लो कि आपके सेटिंग्स में एप्लीकेशन में जाकर आपने जो पबजी को इंस्टॉल किया है वहाँ पर जाके स्टोरेज की परमिशन को अलाउ कर दीजिए, और बाद में वो जो टेंसेंट फाइल, जो OBB टाइप की फाइल होती है, उसको आप मूव कर लीजिए एंड्रॉयड में OBB में। तो शायद आपके फ़ोन में चालू हो जाएगी, और तो भी नहीं चालू होती है तो शायद आपका फ़ोन सपोर्ट ही ना करता हो, ऐसा बन सकता है। तो मैंने आपको जवाब दे दिया। तो चलिए अब हम मेन वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी गूगल प्ले स्टोर से, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। GFX टूल ये नाम है इस एप्लीकेशन का। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। आप मेरे लिंक से ही डाउनलोड करना, इससे मुझको भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, मुझको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे मुझे एक अपडेट मिली है, तो मैं पहले अपडेट कर देता हूँ उसको। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी थी, और वीडियो बनाने के बाद में मैंने देखा अपडेट है। तो अब देखिए, ओपन कर लेना है वहाँ आपको। तो यहाँ पे आपको एक परमिशन मांगेगा ओपन करते ही। तो यहाँ पे अलाउ आपको कर देना है, क्योंकि ये पबजी को एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो इसमें आपको वो सेटिंग्स जो है वो चूज़ करनी है। तो सबसे पहले आप 0.6 GB ये वर्जन जो मांगे है वहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। आपको यहाँ पे एड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों को भी कमाना है। रिजोल्यूशन आप यही रहने दीजिए। बाद में आपको ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स पे आपको जो भी चाहिए, मैं तो HDR कर रहा हूँ जो कि हाईएस्ट है, पर आपका डिवाइस जैसा भी है, पुराना नया अच्छा प्रोसेसर वाला, तो ऐसे आप आपके आपके हिसाब से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे HDR कर देता हूँ। यहाँ पे आपको 60 FPS सिलेक्ट कर देना है, अगर आपका जो है कोई मिड रेंज जैसा है कोई डिवाइस है। मैं आपको एंटी अलेजिंग में आपको सिलेक्ट और स्किप यही रहने देना है। शेडो को आपको इनेबल करना है तो कर दीजिए, कि अब जब आप गेम खेलेंगे तब आपके आसपास आपकी शेडो भी दिखेगी। यहाँ पे अगर आप डिसेबल करेंगे तो नहीं दिखेगी, पर शेडो के साथ खेलने में मज़ा आता है, तो मैं इनेबल कर देता हूँ। और ग्राफिक्स में आपको जो रिकमेंडेड है OpenGL 2.0 ये आपको रखना है। अगर मेरे पास एंड्रॉयड हो रही है तो भी मैं यही रखता हूँ, क्योंकि ये अच्छा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और बाद में आपको कर देना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद ऐसी कुछ ऐड आएगी, उसका आपको क्लोज कर देना है बस। तो अब आपको करना है रन गेम, मैं कर देता हूँ। रन गेम होने के बाद ही पबजी आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम स्टार्ट होने देते हैं। तो देखिए, हमारी यहाँ पे गेम जो है वो स्टार्ट हो गई है। मीडिया का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, नहीं तो इसका ही वॉल्यूम आएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो है वो ग्राफिक्स जो है वहाँ पे ही चालू हो गई है। यहाँ पे मुझे किसी बंदे ने इनवाइट भी कर दिया है, पर अभी मैं नहीं करूँगा, मैं सोलो में जाता हूँ। मैं ये जो है वो खेल रहा हूँ एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो पे, जो कि एक 11,000 का ही डिवाइस है। इसमें मैंने पहले भी खेली है, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम लैग फ्री चलती है, वो भी हाईएस्ट सेटिंग यानी कि HDR पे। और बैटरी ड्रेन भी मुझे तो इतना नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो हालांकि ह्यूज बैटरी है 5000 mAh की। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स में चले जाते हैं, यहाँ पे हम ग्राफिक्स में चले जाते हैं। ग्राफिक्स में देखिए HDR सिलेक्ट हो गया है, और मैंने पहले ऐसे ही HDR में सिलेक्ट किया था कोई भी GFX टूल के बिना, तो यहाँ पे बहुत ही लैग वाला एक्सपीरियंस हमें मिल रहा था। तो देखिए, यहाँ पे नीचे शेडो भी दिख रही है क्योंकि इनेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त फुटेज है ये, इसका जो HDR मोड है वहाँ पे मस्त मस्त चलती है एकदम, और यहाँ पे कोई भी लैग मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। ये जो GFX टूल है वो आपके फ़ोन में लैग फ्री चल सके, इसलिए थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन कर देता है।
और आपके फ़ोन में मस्त पबजी गेम जो है वो चलती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही था। तो देखने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप खेल रहे हो पबजी, तो इसको प्लीज़ यार लाइक कर दो, इससे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बाद में बेल आइकन भी दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से होगा ये कि आप जो है वो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आप मेरे चैनल पर एक्टिव रह सकते हैं। सो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड गुड बाय। Thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder.